मौका था पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती का, लेकिन राजस्थान के भरतपुर से जो तस्वीर सामने आई वो 24 की सियासी जंग की नई तस्वीर दिखाती है। भरतपुर में किसान सभा का आयोजन हुआ तो विपक्षी एकता की नई तस्वीर भी सामने आई। मंच पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता के साथ सपा नेता धर्मेंद्र यादव और कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक भी दिखाई दिए। जयंत चौधरी ने किसानों के नाम पर केंद्र सरकार पर चुभने वाले तीर चलाए। बहुत खुशी है, चौधरी साहब की जयंती धूमधाम से मनाई गई और भरतपुर की धरती जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही, सूरजमल जी की स्मृतियों में, महाराजा सूरजमल जी की स्मृतियों में यहाँ लोग आए हैं, जुटे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ भरतपुर की जनता को। मुख्यमंत्री जी भी पधारे भरतपुर के लिए, विकास की परियोजनाओं का उन्होंने एक जो घोषणा की उसका स्वागत करता हूँ और हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंच चौधरी चरण सिंह के नाम पर सजा था, लेकिन इसका एक सियासी मकसद 2024 में एकजुटता की तस्वीर दिखाने का भी था, जिसका इशारा सचिन पायलट ने भी किया। सुबह जब जयंत चौधरी किसान घाट पहुंचे थे तब उनके साथ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी मौजूद थे, यानी चौधरी चरण सिंह के सहारे यूपी से लेकर दिल्ली तक नया गठबंधन आकार ले रहा है। समूचा विपक्ष नहीं कह सकता, लेकिन जिस विपक्ष में आपस में मेल है, एक विचार है, एक मिशन है, वो लोग साथ हैं और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि जनता के बीच जाएं और मंच साझा करें, अपना एक मैसेज दें। भाई और भाई का, छोटे भाई का फर्ज है कि बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मजबूत मिला के खड़ा रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ इस देश के प्रति, वो लड़ रहे हैं और मैं उनको किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम मिलकर लड़ेंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे। खतौली उपचुनाव में जीत के बाद जयंत चौधरी के हौसले बुलंद हैं। उनकी नजर सिर्फ पश्चिमी यूपी पर ही नहीं बल्कि जाट बहुल तमाम संसदीय सीटों पर है जो हरियाणा से राजस्थान तक फैली हुई है। देखिए राजस्थान में क्या, हम तो हर जगह ये चाहते हैं किसान को भाव मिले और मजदूर को उसका जो है रोजगार मिले, यही राष्ट्रीय लोकदल का नारा है, ये हमारे गठबंधन का नारा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी का गठबंधन बरकरार है। अब कांग्रेस और बाकी नेताओं के साथ नजदीकी दिखाकर जयंत चौधरी ने 24 के गठबंधन की तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। हालांकि इस संभावित गठबंधन को लेकर अभी भी कई सवाल हैं।